डैडी इज नॉट दैट बैड, ही इज क्यूट अ लिटिल बिट। अगर तुम मुझे मॉरिसिस की जगह मांडवा भी ले जाओगी ना, तब भी मैं कहूंगा वाह क्या बात है। दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, टेक इट। प्लीज हमें बताइए कि आपकी क्या क्या हुनर है। बस इस वक्त मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, वाह। YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा, मस्ती भरा, प्रेम भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा है आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, लेकिन एक खान और है, सैफ अली खान, जो न किसी के 3 में है न 13 में है, अलग टैलेंट लेके चलते हैं। और उनके लुक लाइक आज हमारे सामने है। इनका असली नाम है यूनुस सैयद और ये जूनियर सैफ अली खान है। और काफी इन्होंने भी देश विदेशों में शोज किए हैं। तो सबसे पहले एक सैफ अली खान का कोई डायलॉग हो जाए तो ऑडियंस को लगे कि हाँ आप सैफ अली खान के लुक लाइक हो। पहले एक डायलॉग सुना दीजिए। क्यों नहीं। सबसे पहले भगवान ने ये दुनिया बनाई और कुछ दिन आराम किया, फिर उन्होंने एक लड़का बनाया और इतने खुश थे, कुछ दिन और आराम किया, फिर सबसे बड़ी गलती उन्होंने एक लड़की बनाई। तब से लेकर आज तक ना वो आराम से बैठे और ना ही लड़के, तब से दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, लड़का और लड़की, हे यानी कि हम और तुम। वाओ क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताओ हमारे ऑडियंस को कि पहले आपको कैसे महसूस हुआ कि आप सैफ अली खान के लुक लाइक हो, किसने बताई पहली बात ये? पहले 1998 की बात है, उस वक्त मैं अपने जो कांदीवली में रहता था, तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे यार तेरी नाक आँख वगैरह सब ऐसी लगती है, बाल थोड़े बढ़ा ले तो सैफ लगेगा। तो मैंने बाल भी बढ़ा लिए। जब मैंने बाल बढ़ाए तो पूरे एरिया में मुझे सैफ ही बोलने लगे, जहाँ मैं रहता था पूरे इलाके में। उसके बाद मैं जॉब करता था, ये इसका कैटरस में वेटर का जॉब करता था। तो वहाँ पर एक दिन ऐसे मैं बोरीवली में जॉब करने के लिए गया था जॉब, तो वहाँ पर अचानक से एक ऑर्केस्ट्रा का काम ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, कलाकार, और वहाँ पर एक जैकी नाम का जो म्यूजिशियन था वो घूम रहा था। तो उसने मेरे को सडनली देख लिया सर्विस करते हुए और मुझे बुलाया अपने पास में, बुलाकर मुझे बोला कि यार आप तो पूरे सैफ अली खान लगते, ये काम क्यों कर रहे हो? मैं बोला भाई मैं तो यही काम करता हूँ बहुत टाइम से, तो लाओ मैं तुमको किसी से मिलाता हूँ। फिर उसने मुझे साथ में लेके गया, और लेके जाने के बाद वो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर थे सुधीर सिन्हा जी, तो उन्होंने मुझे देखा तो बोला अरे यार ये तो पूरा सैफ अली खान लगता है। बोले ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने उनको बताया सारा सिचुएशन कि ऐसा ऐसा है। तो बोले एक काम करो, तुम्हारा कोट उतारो और ये मैं तुमको कोट देता हूँ, खाली जाओ पब्लिक को ऐसा हाथ ही लगे। मैं बड़ा डर रहा था, मिला सर मैं कभी किया नहीं ऐसा काम, तो मैं कैसे करूँगा? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ओले ओले गाना बजेगा, तुम हाथ वाथ दिखा के थोड़ा हिल उल के आ जाओ। तो ऑलरेडी वहाँ पर जूनियर गोविंदा जी थे और जूनियर अनिल कपूर और जूनियर शाहरुख खान ऑलरेडी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा भी अनाउंसमेंट करके मुझे भी चढ़ा दिया। तो मैंने बड़ा मुझे अच्छा लगा, पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। और नीचे आने के बाद फिर उन्होंने 200 रुपये का लिफाफा मुझे दिया, बोला कि ये गुड लक है और आज से तुम्हारा वक्त चेंज हो गया। और वाकई में उसके बाद में जो मेरे दिल के अंदर वो भावनाएं आ गई कि मुझे अभी सैफ अली खान जैसा बनना है, उनकी एक्टिंग करना है, तो फिर मैंने उनकी आवाज़ की काफ़ी प्रैक्टिस की और फिर डांस क्लास ज्वाइन की। डांस क्लास करने के लिए मैं कांदीवली से दादर जाता था, उस टाइम पर ट्रेन में इतनी भीड़ हुआ करती थी सुबह के वक्त, और टाइमिंग भी ऐसे ही था 9 बजे का। तो उस भीड़ में मैंने 2 महीना जाकर अपने डांस की प्रैक्टिस की, 2-3 कहीं भीड़ तुम्हारे लिए तो नहीं होती थी तुम्हें देखने की? नहीं नहीं नहीं, लोग तो मुझे बोलते ही थे रास्ते में, जब मैं चलता था कोई भी आवाज़ है सैफ 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 करके, लेकिन मैं उतना रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने उस टैलेंट को अपने अंदर लाया और उसके बाद काफ़ी काम मुझे मिलने लगा अब्रॉड। तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं ज़्यादातर जिंदगी के 12 साल मैंने अब्रॉड में ही निकाले। क्या बात है, देखो ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये डुप्लीकेट है, ये है, ये गलत है। हाँ वो गलत है क्योंकि वो खाने को नहीं मिलते। अभी मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा जी 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 जूनियर गोविंदा के साथ, तो अंगूर खट्टे होते हैं। अरे लुक लाइक एक गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने दिया है। वो शख्सियत जो इतनी बड़ी है जैसे सैफ अली खान, अगर आप 95% भी लगते होते, गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। और आपने बोला कलाकार ऑर्केस्ट्रा सुधीर सिन्हा, मैंने भी उसमें काम किया है जी जी। और सुधीर सिन्हा का जो कलाकार ऑर्केस्ट्रा था उसमें काफी आर्टिस्ट निकले, और काफी वो शो इतना दिन में मैं उनके 3-3 शो करता था, ये समझो महीने के 31 दिन होते थे, तो मैं महीने के 40 शो करता था।
क्योंकि तीन शो कभी दो शो कलाकार ऑर्केस्ट्रा कंटिन्यू रहते थे और उस टाइम तो काफी शोज होते थे, अभी तो नहीं होते, अभी तो कोई कॉर्पोरेट होता है और रियलिटी शो भी शायद हम लोग नहीं शुरुआत की टीवी में, बोगी होगी ये सारे और कितने शोज अभी जो रियलिटी शो है इसमें आप क्या बोलोगे जो अभी के रियलिटी शो अभी के जो शो आते हैं ना, मैंने काफी किया, अभी बीच में हुनर बाज का भी मैंने किया था, तो यार बोलना नहीं चाहिए, बड़ी बेइज्जती करते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं लाइक को, मतलब ऐसे डायलॉग्स दे देते हैं ये लोग कि सामने जो ओरिजिनल स्टार्स बैठे रहते हैं वो मजाक करने लगते हैं, तो कहीं कहीं जाकर मन दुखता भी है, लेकिन चलो जो भी, हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी भी तरह हमने अपने सही बोला कि गॉड गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता है, तो ये हमें गॉड गिफ्ट मिला है, तो प्लीज़ आप कोई भी इस तरह की बात मत करो। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे लोकल लाइक्स हैं जो वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह पर चलाते हैं, तो उनके जो कमेंट्स होते हैं बड़े गंदे कमेंट्स देते हैं, क्यों? आपको किसी को बोलने का हक नहीं है, ठीक है, आपको वो तो आपको कुछ बोल नहीं रहा है ना, अगर आपको वो वीडियो पसंद नहीं है तो आप मत देखो, इसलिए गंदे हैं, वो खुद नहीं दिखते हैं ना, नहीं दिखते हैं, ये बात उनके चेहरा शायद अपने माँ बाप से भी नहीं मिलता सही बोल उनको अपन इग्नोर करने का, हमें हाथी बन के रहना, हाथी बन के चलो बस, नहीं हम तो वही है। अच्छा, और मेरे ख्याल से आपने एक मूवी भी की थी, कौन सी, मुन्नी बदनाम हुई, वो गाने में भी थे ना? हाँ, मुन्नी बदनाम हुई गाना आया था, ये 2010 या 11 में इसकी शूटिंग की थी हमने, और जब भी हमारी मुलाकात सलमान खान जी से भी हुई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, उनके भाई अरबाज खान ने भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन था वो जिसमें हमने काम किया, मलाइका अरोड़ा जी भी बहुत अच्छी थी, बहुत कॉपरेट की, तो बहुत ही शानदार गाना था। देखो मुन्नी बदनाम हुई आज भी शानदार गाना है, दबंग का है ना, दबंग। तो देखो आपको उस गाने में लिया जी, आपने देश विदेशों में शोज किए, बिल्कुल ये शक्ल के वजह से, ये शक्ल की वजह से, मैंने भी काफी पासपोर्ट खत्म किए, आज भी मैं भाभी जी घर पर रह कर रहा हूं, शक्ल के वजह से, मैंने धमाल में काम किया, धमाल पिक्चर, मतलब ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के इंटरव्यू ले रहे हैं और हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, के नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो काफी लोगों में नहीं है यार। अपनी एक्टिंग में बताऊं, कोई भी करता है, कोई भी, और आजकल जो वेब पे पिक्चरें आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, ओटीटी पे आ रही है, ये क्या है, गाली दे रहे हो, गालियां दे रहे हो, कोई डायलॉग थोड़ी ना हो, गालियां दे रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको आप क्या, आप तो सरस्वती है यार, आप सरस्वती को ये कर रहे हो, सरस्वती जी को आप गालियां बक रहे हो उस पे, पहले के जो डायलॉग थे जैसे सैफ अली खान के डायलॉग आपको याद है, उन्होंने इतना सुर से डायलॉग बोले, जैसे मैं प्रेम चोपड़ा जी के डायलॉग बोलता हूँ, है दंगा आएगा क्या, नीचे उड़ेगा क्या, प्रेम नाम है मेरा, आज भी लोग भूले नहीं है वो डायलॉग, भूले नहीं है क्योंकि डायलॉग है, अगर प्रेम चोपड़ा जी गालियां बकते तो लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, आप लोग मैसेज दे भाई, ये गाली गलौज वाली और ऊपर से क्या बोलते हैं पता है, और हम तो रियलिस्टिक में काम कर रहे हैं, और मैं बताऊं आपको, कुछ तो ऐसा हुआ जब हम पहले स्ट्रगल करते थे, एक एल्बम लेके जाते थे और उसमें फोटो डालते थे, फोटो के पीछे स्टिकर छपा रहता था, फोन नंबर, और सीधा प्रोडक्शन मैनेजर या असिस्टेंट डायरेक्टर हमारा कास्टिंग करता था, डायरेक्टर मिलता था, एक लाइन देता था, बोल के दिखाओ, ओके कल आप। हमारे वक्त में तो सोशल मीडिया था ही नहीं ना, नहीं था ना स्ट्रगल। आजकल क्या हो रहा है कि आपको काम देने से पहले ये देखा जा रहा है कि भाई आपके फॉलोवर कितने हैं। अरे आप फॉलोवर को क्यों देख रहे हो, आप ये देखो ना बंदे ने काम कितना किया और कब से कर रहा है, कब से काम कर रहा है वो, कि कोई कौन से जमाने से काम कर रहा है। फॉलोवर भी छोड़ो, हमारे टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करता, नहीं हुआ करता। कास्टिंग डायरेक्टर कौन होता है, हमें पसंद करे ना पसंद करे, इसका मतलब जो आज डायरेक्टर है उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू कास्टिंग कर रहा है, कंधे पे बंदूक चला रहा है। अरे जो निर्णय लेना है वो डायरेक्टर लेगा, कि भाई ये कैरेक्टर में फिट होगा कि नहीं, या उसका असिस्टेंट डायरेक्टर। मुझे पता है धमाल पिक्चर कैसे मिली थी, कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था धमाल पिक्चर में, मैं गया एक मनीष जी घर के बैठे थे और मुझे बेचने वाला भी बंगाली था, इधर क्या करता है, अच्छा क्या करता है इधर वो कलिंगा होटल है ना, सब टीवी के सामने बैठा था,
जाएगा तो इधर इंद्र कुमार का ऑफिस है तीसरे माले पे, जाओ उधर जाके अपना फोटो छाड़ के आओ। अच्छा, मैं बोला बैनर्जी जी मैं जाता हूँ। नहीं जाओ अभी जाओ, नहीं तो निकल जाएगा, जाओ। मैं चला गया, गया तो आए मनीष जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है जी, जी। वो बोले भाई 80% तो पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, तो अच्छा। मैंने बोला एक फोटो तो रख लो, उन्होंने फोटो देखा। हाँ। एक फोटो रख दिया, फोटो के पीछे मेरा नंबर नाम सब स्टिकर लगा था। हाँ। 3 दिन में फोन आया, बोले आपने इसमें मिमिक्री आर्टिस्ट लिखा है। हाँ। मैं मिमिक्री करता हूँ। तो बोला ऑफिस में आओ। ऑफिस में गया, बोला आप मिमिक्री करते हो बंगाली कर सकते हो क्या, एक बंगाली रोल है। तो मैंने करके बताया। तो बंटी राठौड़ राइटर भी बैठे थे, बोला ओके। वेद प्रकाश थे, उन्होंने ओके किया। एक दिलीप हालदार थे, ये 3-4 लोग बैठे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर। बोला ओके, बोला रात को मोबाइल आप चालू रखना, आपको फोन आ जाएगा। 1:20 पे बल्लू ईरानी जी का फोन आता है कि कल महाबलेश्वर निकलना है, हो गई कास्टिंग। अभी कास्टिंग डायरेक्टर आएगा, देखेगा अपनी सेटिंग लगाएगा। अरे छोड़ो यार ये सब नाटक। उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली थी जैसे तुम्हें मिली, दबंग। कोई कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्ट तुम्हें बुलाया, कॉल आया भाई एक छोटा सा परफॉर्म करना है गाने के अंदर, तो हम लोग जाकर कर दिए। मैंने भी सन्यासी मेरा नाम विमल कुमार जी की मूवी की थी, कभी कास्टिंग नहीं। विमल कुमार जी ने देखा, बोले डायलॉग सुना, बोले शंभू का दिमाग देवदारी, ओके ये कर सकता है, आ जाओ। कितनी फिल्में हमने सीरियल्स किए, कितने हम 5 किए हमने साथ में, हम काफी हम लोगों ने काम किया। कहां कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, नहीं हमें ऐतराज नहीं है कास्टिंग डायरेक्टरों से, वो उनका भी पेट है रोटी रोजी है, लेकिन सही कास्टिंग करे वो। अच्छे से अपने गांव वाले को उठा के डाल दिया, क्या बोलते पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, करो वो करो। कास्टिंग डायरेक्टरों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप किसी को भी उठा के खड़ा करते हो, मार मार के एक्टर बनाते हो, वो या फिर अच्छे एक्टर घर बैठ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और अभी आप क्या कर रहे हो फिलहाल? फिलहाल तो यही मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता हूँ, ज़्यादातर शोज वगैरह होते रहते हैं, और जो भी इवेंट होते हैं करता हूँ, बाहर वगैरह के भी इवेंट आते हैं काफ़ी, तो वहाँ भी जाना ना, बस लगा हुआ है, ज़िंदगी ऐसी कट रही है। और एक कोई सैफ अली खान का डायलॉग? हाँ क्यों नहीं, हाँ डायलॉग्स तो बहुत है। हाँ, एक और सुना दीजिए। तो कल रात हम एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ने गए थे, और गलती से मैंने तुम्हारे उस हवालदार पर गोलियां चला दी। अरे मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया गया है, मेरे हाथ से रिवॉल्वर लेकर अपनी उंगलियों के निशान लगाए थे। अरे हाथ उठाना तो क्या इंस्पेक्टर, मैं फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगा सकता हूँ। तुम अपने आप को इंस्पेक्टर कहते हो, पुलिस ऑफिसर कहते हो, तुम इंस्पेक्टर नहीं एक झूठे कैरेक्टर हो। अच्छा गोली का बोला, किस्सा याद आ गया जी। याद है हम लोग एक बार देहरादून गए थे शो करने, वो बात है 2002 में गए थे हम लोग, और हम शो करके आए जी, काफी लोग ने हमारे साथ फोटो खिंचवाई, ये सब हुआ। और फिर जब हम अपने कपड़े वपड़े उतार के और रूम में बैठे खाना पीना खा रहे थे, थोड़ी अपनी जिंदगी गुजर, पब्लिक आ गई। हाँ, कुछ लोग आ गए थे। हाँ, और कुछ लोग आ गए और गुंडे थे वहाँ के, बोले हम ये डॉन है, ये डॉन है वो, इसलिए हमारे फैन ही थे वो। हाँ, फैन ही थे। उन्होंने बोला कि फोटो, हमने बोला नहीं अभी फोटो नहीं खिंचवाएंगे यार, हमारी लाइफ भी है ये। बोले क्यों नहीं खिंचाओगे फोटो? हाँ, फोटो नहीं खिंचाएंगे, उन्होंने बंदूक निकाल दी, गुस्से में बोले कपड़े पहनो और फोटो खिंचवाओ। देखो ऐसे भी जिंदगी हमको कभी कभी जीनी पड़ती है, तो हमारी भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम जो झेलते हम ये सोचते कि हमारे जो ओरिजिनल स्टार्स लोग है वो लोग कितना इस चीजों का सामना करते होंगे। हाँ, जब हम लोग को इतना सामना करना पड़ता है, हम तो उनके लोकल आई गए, हम तो लोकल जो ओरिजिनल है उनका क्या हालत होगा, हमारे ऊपर बंदूकें निकल जाती है खाली फोटो खिंचवाने के लिए। वैसे वो अच्छे थे दिल के, दिल के अच्छे, लेकिन उनका ये था कि हमारे फैन थे और हम उनको क्यों नाराज कर रहे हैं। अब उनसे कुछ नहीं हुआ तो हथियार निकाल दिया, कपड़ा पहनो और हमारे साथ फोटो खिंचवाओ, मतलब प्यार में हमसे कर ले दोस्ती या खुद को गोली मार ले, ऐसा हो गया। चलिए बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और काफी दिनों के बाद मिले। और भाई मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और अच्छे अच्छे मैसेज कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है? तो ये सैफ अली खान के स्टाइल में बोलो। तो दोस्तों मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे बड़े भाई है प्रेम भाई और काफी सीनियर कलाकार है, तो इनके लिए जो है आप शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इनको, ठीक है? वाओ 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 बड़ी, इज नॉट दैट बैड, ही इज क्यूट अ लिटिल बिट। अगर तुम मुझे
मॉरिसिस की जगह मांडवा भी ले जाओगी ना, तब भी मैं कहूंगा वाह क्या बात है। दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, टेक इट। आप प्लीज हमें बताइए कि आपकी क्या क्या हुनर है। बस इस वक्त मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, वाह।